26वीं राज्य स्तरीय महिला व पुरुष वर्ग की हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्बाल ने किया, जिसमें प्रदेश भर की 18 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें 10 पुरुष वर्ग तो 8 महिला वर्ग की टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष भर सहानी ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि इस पाठशाला के प्रांगण में हैंडबॉल की प्रतियोगिता में आकर पुरानी यादें ताजा हो गई, क्योंकि इसी मैदान में मैं भी खेला करता था। इसी स्कूल में एक खिलाड़ी के रूप में लंबा समय व्यतीत किया। उन्होंने कहा कि आज भी वही वक्त है जैसा उनके समय में होता था। स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वहीं एक तरफ पूर्व की प्रदेश सरकार खेलों के लिए कोच नहीं दे सकी, तो दूसरी तरफ खिलाड़ियों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीतकर हिमाचल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की अनदेखी की जा रही है, जबकि अन्य राज्यों में मेडल मिलने पर खिलाड़ियों को लाखों रुपए दिए जाते हैं, उन्हें मान सम्मान दिया जाता है। उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री खिलाड़ियों के मान सम्मान के बारे में निवेदन किया जाएगा। अन्य राज्यों की भांति हिमाचल में भी हैंडबॉल के और कोच रखने की भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया जाएगा, जिससे पूर्व हिमाचल प्रदेश हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष भर सहानी ने हिमाचल की टीमों की अब तक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वहीं सीईओ डॉक्टर प्रवेश शर्मा ने हैंडबॉल के इतिहास के बारे में मुख्य अतिथि को अवगत करवाया। मंडी हैंडबॉल संघ द्वारा प्रदेश की महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों मोनिका पॉल, निधि शर्मा, बबीता ठाकुर, दीक्षा ठाकुर, ज्योति व शिवानी को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आशीष ढुलो, मीडिया इंचार्ज कर्ण चिंदेल, अंकुश शर्मा, सुनील अशोक गौतम, शरित शर्मा, मनोज ठाकुर, मुनीश राणा, वीरेंद्र आदि मौजूद रहे। वो वक्त कुछ और था, आज वक्त मुझे लगता है कि बदल जाना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से हमारे हैंडबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जो मुझे बताया कि आज भी स्थिति यथावत बनी हुई है, हैंडबॉल के मात्र 3 कोचेज बताए जा रहे हैं और खिलाड़ी अगर मेडल लेकर आते हैं उनको जो मान सम्मान दूसरे प्रांतों की अपेक्षा मिलना चाहिए, हरियाणा का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, पंजाब की बात कही, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से उचित कदम नहीं उठाए गए। लेकिन अब हालात बदले हैं, जहां देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए, मोदी जी का भी यही संदेश है और उन्होंने भी आदेश दिए हैं, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे खिलाड़ियों को जिस प्रकार से दिक्कतें आती हैं, चाहे वो हैंडबॉल की बात हो चाहे वो अन्य खेलों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे हम कि हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान मिलना चाहिए। जब भी हमारा कोई भाई बहन राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आता है, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, जो उचित मान सम्मान है वो मिलना चाहिए।